रोकर तो नहीं जाते स्कूल? नहीं। स्माइल करके जाते हो? कैसे दिखाना? तो फाइनली ये लड़की बर्गर ले आई है। देखो जरा, देखो देखो गौर से देखो इस लड़की को। क्या नाम है लुटेरा? अरे तो भाई देखो, परी ने बनाया है ये पास्ता और इसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मैंने इससे कहा चल ठीक है, मैं भी वही खा लूंगी और मैं परी को दिखाऊंगी रास्ता। पसीने में भीग गई, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। देखो कोल्ड ड्रिंक बची हुई, वो भी दी आई है। भाई ये मेरे को डाइट ना करने देगी बिल्कुल भी। अच्छा है, कैसे बनाया? तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम गहलोत व्लॉग्स। और दो दिन हो गए हमने कोई शूट नहीं करा। जो पहले का कंटेंट शूट करा हुआ था वो सब एडिट हो रहा था धीरे धीरे करके। और आज सुबह से थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी क्योंकि इतनी मौज मस्ती करी है, इतना आराम नहीं, रात रात भर जागना, तो इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं तो निकलता ही है। तो डेली हम 4 बजे सो रहे थे। कल तो मैं थोड़ा फिर भी सो गई थी, लेकिन परसों रात में बिल्कुल नहीं सो पाई थी। तो अभी क्या है कि परी को मैंने भेजा था, जो रिहाना है उनके फ्रेंड है एक डॉक्टर, उनको दिखाने के लिए, क्योंकि तो उसको टूथ की प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ये सब स्वेल हो रहा था, उसका दर्द भी है। तो अभी ये गई थी परसों, लेकिन परसों उन्होंने इसको पेन ज़्यादा हो रहा था तो उन्होंने पेन किलर वगैरह देकर भेज दिया था कि 2 दिन बाद आना, जो इसके टूथ में काम होना है। तो मैं इसको लेकर वहीं जा रही हूँ। और ये देखो ये हो गई है रेडी। तो और मैं भी रेडी हूँ। ये कह रही है हाय गाइस। सो मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो हम निकल रहे हैं और देखते हैं कि वो काम जो है आज कितना हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअली इसकी जो है फीलिंग करानी है और कैपिंग करानी है। राइट, फीलिंग और कैपिंग। अभी एक दांत में आरसीटी भी और आरसीटी भी होनी है इसके टूथ की। तो सो हम चल रहे हैं और चलकर देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, 5:20 हो रहे हैं, 5 बजे वो क्लिनिक आ जाते हैं भैया, और 5 से 8 बजे तक का टाइम है। मौसम भी ठीक है आज, वैसे घटा सी है तो ठंडी हवा तो नहीं है लेकिन धूप भी नहीं है। सो हम चाहते तो आज सुबह, अगर मैं जल्दी उठ जाती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया परसों रात नहीं सोई थी, तो मैंने रात जो है दवाई ली थी तो आराम से मैं सो गई थी। तो मैं उठी ही बड़े आराम से हूँ, एक बार उठ गई फिर सो गई, फिर एक बार उठ गई फिर सो गई। तो मैं 1 बजे उठी हूँ, इसलिए आज हम सरोजनी का काम नहीं कर पाए। हमें सरोजनी भी जाना था। बेटे एसी बंद कर दो। और एसी का हमारे का रिमोट नहीं आया ना, तो देखो हम एसी कैसे बंद करते हैं रात को भी। ये है रिमोट। तो ये हो गया हमारा एसी बंद। हमें रात भर में ऐसे ही 5 से 6 बार ऐसे ही बंद करना होता है, क्योंकि पूरी रात हम नहीं चलाते हैं, बस रूम ठंडा हो जाता है तो फिर बंद कर देते हैं, फ़ैन चला लेते हैं। और जब गर्मी लगने लगती है फिर मैं इसको परी को जगाती हूँ, परी। और परी गहरी नींद में सोती, परी इसको ऑन कर दो, ऑफ कर दो। और जब नहीं उठती है तो मम्मी कहती है चाटा मार दूंगी। जब नहीं उठती तो मैं गुस्से में कहती हूँ चाटा मारूंगी जल्दी उठ। अब वो भैया आज के बोल रहे थे रिमोट लाने के लिए इसके लिए, तो वो रिमोट ले आएंगे, क्योंकि वो रिमोट में कुछ प्रॉब्लम थी, वो चल नहीं रहा था। तो अब हम निकले। बेटे ये टॉवल फैला दो, गीला का गीला है, देखो इस गंदी बच्ची ने गीला टॉवल कहाँ फेंका है। तो हम निकल रहे हैं और निकल कर पहुँच कर आपको बताते हैं और रास्ते में क्या होता है, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। और एक भैया है, मैंने उनका नंबर लिया हुआ है, जब मुझे कहीं आना जाना होता है तो मैं उन भैया को कॉल करके बुला लेती हूँ और उनके साथ ही ई रिक्शा में जहाँ पर भी जाना होता है इजी हो जाता है। लेकिन वो भैया कहीं बिजी थे, उनको आने में टाइम लग रहा था और हमारी अपॉइंटमेंट थी, तो हमने दूसरे वाले भैया को बुलाया और उनके साथ हम चले गए। और ये आ गए हैं हम क्लिनिक। ये बेसिकली क्लिनिक जो है रिहाना के फ्रेंड हैं डॉक्टर प्रवेश, उनका है ये, प्रवेश चौधरी। और ये हैं वो भैया जिन्होंने ये स्किन कलर की वो पहनी हुई है, और उन्होंने अच्छा खासा अपना ये हॉस्पिटल इस तरह से बनाया हुआ है, और काम भी बहुत ही रीज़नेबल रेट में इनके यहाँ पर होता है। खैर हम तो चलो इनके फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड हैं, लेकिन उनके जो प्राइस हैं वो बाकी के डॉक्टर के देखे कम है, और काम भी अच्छा बेहतरीन करते हैं, क्योंकि वो तो जो पेशेंट आते हैं उनकी बातों से ही पता चल जाता है। और ये देखिए परी का काम हो गया है, और उसके बाद से हम यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि परी की क्या एक का 2 दांत में 3 दांत में प्रॉब्लम है, तो एक की क्लीनिंग हो गई है। तो उन्होंने कहा दी आप जो है इसको फिर 1 दिन बाद लेके आना, क्योंकि 1 दिन में पॉसिबल नहीं था। तो बस उसके बाद हम वहाँ से आ गए तुरबनगर, क्योंकि मुझे तुरबनगर का कुछ काम था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काजल ने जो बड़ा वाला बाउल है वो मेरा फोड़ दिया। अब मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत माइक्रोवेव से बाउल की, लेकिन वो जिस तरह का बाउल मुझे चाहिए था, जिस कैपेसिटी का चाहिए था, वो मुझे यहाँ पर
नहीं मिला तो दो सामान लेके हम यहाँ से निकल लिए। ऐसे शेप में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे ये ना ऐसे छोटे छोटे से डिजाइन से बने हुए ऐसा है क्या बुरोसी? अब यहाँ से तो वो बाउल नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो नई बस्ती है वो वहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह की तीन चार जो है क्रॉकरी की शॉप है, बड़ी शॉप है, वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने वहीं से लिया था। जूस पियोगी? जूस चलो। और जब से हम बचपन से आ रहे हैं ये शॉप जूस की, बचपन से ही है, जब हमारे दादा पापा हमें लेकर आते थे तभी से हम यहाँ जूस पीते थे, फिर उसके बाद हम शॉपिंग करते थे। तो एज यूजुअल आज भी वो रिचुअल हमने पहले पूरा किया। और ये है यहाँ की जो है गाजियाबाद की तुराब नगर मार्केट, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन में। क्या नाम है लुटेरा? ये राम नंबर इस पर बता देना। आप हम लुटेरे नहीं, हमारी ब्रांच का नाम है। सुनो ये जो हमारा जो है अपना नाम तुम डाल के देख लेना बेटे, है ना, अगर साइज में कुछ इशू होगा तो वो चेंज हो जाएगा। नहीं फैब्रिक वगैरह तो ठीक है, लग रहा है कंफर्टेबल, स्ट्रेचेबल है तो हाँ ठीक है। तो परी को चाहिए थी फॉर्मल पैंट, तो कॉलेज के लिए वो मैंने दो पैंट दिला दी थी, तो फिर भाई मैं भी पीछे कैसे रहती, तो बराबर वाली शॉप पर यहाँ पर टी शर्ट्स अवेलेबल थी, तो वो मैंने टी शर्ट्स ले ली अपने लिए और लोअर ले लिए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट में थे और साइज़ भी बहुत कम्फर्टेबल थे। और उसके बाद हम एज़ यूजल आ गए अपने गोलगप्पे खाने के लिए, जो कि वो बीच में खड़ा रहता है, उसका जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। फाइनली ये लड़की बर्गर ले आई है, देखो जरा, देखो देखो गौर से देखो इस लड़की को, मतलब मन कर गया किसी चीज का तो कर गया। अभी तो मैंने बोला था मेरे बच्चे मेरे हाथ का बर्गर खाते हैं, और बाहर का ले आई और अब एक मेरे लिए भी ले आई, तो कैसा लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगी परी जी? अच्छा है, सही है बर्गर, चलो तो खाओ। आपको जितना तो नहीं है? अच्छा मेरे जितना नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाने लायक है। चलो तो काम चलाओ आप। तो हो गया है नेक्स्ट डे, और वापस नेक्स्ट डे हम फिर से क्लिनिक आ गए थे। इस बार हम मॉर्निंग में आए थे, क्योंकि भैया ने कहा था मॉर्निंग में आइए तो काम ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। और ये हैं वो भैया, देखिए चल रहा है ट्रीटमेंट परी का, और ये उनकी असिस्टेंट जो उनको देख रही थी, और यहाँ एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची बैठी थी, आइए मिलवाती हूँ उस बच्ची से, मेरी क्या बातें हुई। दो साल की हो, और नाम क्या है आपका? मैं नाम नव्या। क्या? नव्या। नव्या, अच्छा। और यहाँ आप किसके साथ आए हो? मैं अपनी मम्मा के साथ। आपकी मम्मा को क्या हुआ? वो भी रोज चॉकलेट खाती थी, इसलिए उनके भी टीथ खराब हो गए। आपने खाना है? आप तो अच्छी बच्ची हो भाई, बहुत स्मार्ट हो आप तो। मैं दिल्ली जाती हूँ ना, तो मैं पार्क में झूला झूलती हूँ। अच्छा, अरे वाह, अच्छा लगता है झूला झूलना? हाँ। और स्कूल जाते हो? हाँ जाती हूँ। कौन सी क्लास में? हाँ? कौन सी क्लास में? एलकेजी। हाँ। अच्छा लगता है पढ़ना? हाँ। रोकर तो नहीं जाते स्कूल? स्माइल करके जाते हो? हाँ। कैसे दिखाना? बहुत क्यूट है आप। दूध भी पीते हो? कम नहीं तो दूध तो ज्यादा पीना चाहिए, पता है दूध को कैल्शियम चाहिए ना, और कैल्शियम किससे मिलेगा? दूध से मिलेगा। बहुत सारी दवाई दी है? अच्छा एक दवाई दी है। अब देखो इसने चॉकलेट खाई है परी ने, तो परी अपने दांत का इलाज कराने के लिए आई है। और ये कितनी अच्छी बच्ची है नव्या, ये बिल्कुल चॉकलेट नहीं खाती है ना? ये इनके हाँ हो गया इनको।
ये इनका नाम परी है, ये परी है, उड़ती ही रहती है ये। और इनका नाम शशि है। अच्छा, आपकी मम्मा का नाम शशि है। हाँ। और डॉक्टर का नाम क्या है? आप पूछो। मेरा नाम है वो वाले डॉक्टर का। पहले इनका नाम पूछो। डॉक्टर विमोचनी। अच्छा है। और अब डॉक्टर सर का नाम पूछो। कल क्यों पूछोगे, आज पूछो। पूछ लो। पूछो, आप पूछो, बता देंगे वो। पूछो। सर आपका नाम क्या है? सर ने भी चॉकलेट खाई हुई है। हाँ, आप कम खाते हो, आप अच्छे बच्चे हो, आप तो कहना भी मानते हैं ना, आप अपनी टूथ का केयर भी करते हो, ब्रश भी करते हो दोनों टाइम, है ना? मैं नहीं पढ़ा रही, वो पढ़ी हुई है। स्कूल जाती है कुछ पता है? LKG में है ना बेटे? मैडम और क्या क्या सिखाती है वहाँ पर? जी, तो आपका एडमिशन कब हुआ था? अच्छा, जब और छोटी थी। हाँ। अभी बड़ी हो गई। अरे वाह, अब बड़े हो गए, अपग्रेड हो गए हैं। हाँ। और पिया करो, डेली पिया करो 2 टाइम, उससे आपके टूथ को कैल्शियम मिलेगा ना, और बोन भी आपकी जो है मजबूत हो जाएंगी, फिर आप स्ट्रोंग बन जाओगे। कम चलाता हूं। ओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत चलाती है इसलिए इसकी आंखें भी खराब हो गई हैं। अब ये चश्मा पहनती है, अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तो बहुत अच्छे बच्चे हो, पता है मैं उनको भी बोलती हूँ, इनके जो मामा के बच्चे हैं ना छोटे छोटे आपके जितने, मैं उनको भी मना करती हूँ कि फ़ोन नहीं चलाओ, वो रोते रहते हैं ना, तो मैंने उनको यही समझाया। अब मैं उनको बोलूँगी नव्या बहुत अच्छी बच्ची है, वो बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाती है, आप भी ऐसे ही करो, ठीक है? वो करने लग गए। नहीं, मानते ही नहीं है वो मेरी बात। आप यहाँ पे मैसेज में बोलो उनको, उनको यहाँ पे कैमरे में देखकर बोलो कि फोन नहीं चलाना, आंखें खराब हो जाएंगी। बोलो, इधर देखकर बोलो, फोन नहीं चलाना, आंखें खराब हो जाएंगी। इधर 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 देखकर बोलो फोन में। बोलो, फोन नहीं चलाना, आंखें खराब हो जाएगी। हाँ, अब नव्या की बात सुनना, कोई भी बच्चा फोन नहीं चलाना, ठीक है? परी का काम हो गया था तो मैंने भी अपना टीथ दिखा दिया, क्योंकि मेरा एक साइड का जो टीथ है वो दूध का टीथ है, वो टूटा नहीं था, जो कि अब थोड़ा थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ा सा इलझा हुआ रह गया है, तो वो ब्लैंक जगह अच्छी नहीं लगती, तो डॉक्टर ने कहा नेक्स्ट टाइम आओगे तो एक्स्ट्रा कर निकाल देंगे। और अब उन्होंने बुलाया है 30 तारीख को, यानी कि आज ईद है, इससे नेक्स्ट डे। और अब ये देखिए, जरा रात भर बारिश हुई थी तो सड़कों का क्या हाल हो रहा है, तो भाई सरकार से मैं तो यही कहूँगी कि कुछ कीजिए इसका, जिससे कि इस तरह की चीज़ें ना हो और एक्सीडेंट होने से बचे, जगह जगह पानी भरा हुआ था बहुत ज्यादा। तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम गहलोत व्लॉग्स। और आज है 28 तारीख और आज परवीन जी और हर्ष दोनों आ रहे हैं, क्योंकि कल ईद है। तो सुबह से तो मैंने कोई भी काम नहीं किया, कैमरा भी हाथ में नहीं उठाया, कुछ काम नहीं किया, इवन मैंने कल भी शूट नहीं किया। परसों हम लोग जब वहाँ गए थे पूल में मस्ती करने के लिए, तो वहाँ की जो है कुछ शूटिंग की हुई थी, फिर शबाना आ गई थी, उसके बाद कल मेरी सारे दिन तबीयत थोड़ी ख़राब रही। हाँ, थोड़ा सा शूट किया था जब परी को डॉक्टर के लेकर गई थी, तो वहाँ की क्लिपिंग है वो मैं ऐड कर दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो मैं क्या बनाऊँगी वो आपको साथ साथ ही देखने के लिए मिलेगा। तो चलो मैं चलती हूँ किचन की तरफ, और टाइम हो गया है, ये देखिए हो गए 6:20, और मुझे करना है डिनर की तैयारी। दोपहर तो हमने खा लिया था, अंडे की सब्ज़ी रखी हुई थी, और मैसेज किसका आया, तो जैसे जैसा होता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको बताती रहती हूँ और फटाफट चलती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है बहुत ज़्यादा कम। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ। गाना गा रही हो? हाँ, गाना गा रही हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ, और वैसे तो सारे कट गए, बस पिस्ता रह गया। अब देखो बिना स्लाइसर के कितनी दिक्कत हो रही है, एक एक को एक एक उठा के काट रही हो, एक एक को कितना बारीक बारीक है। देखो मेरी नाइफ जबरदस्त वाली अच्छी नाइफ है ये, इससे आप किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। अरे नहीं, ऐसा गुनाह है, पता है ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलते, एक गुनाह जो है नाम लग जाता है, एक कत्ल नाम लिख जाता है तुम्हारे नामे अमाल में। और दूध आ गया? हाँ, दूध ये मैं ले आया, दही आ गई, बूंदी आ गई बनाने के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, उसके बाद मैं बिजी हो गई, फिर मैं भूल गई शूट करने के लिए। तो मैंने बनाया है आलू मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि परी के पापा को, यानी कि ये परी जो बैठी हुई है इसके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़े से चावल बॉईल किए हैं, मतलब चावल छोटे जीरे वाले,
क्योंकि अर्श खा लेता है, उस पर सब्जी डालकर, और हम बनाएंगे पूरी और खीर। तो जाके खीर और पूरी सब्जी दिखा कर आओ मेरी। तो ये सब्जी एकदम रेडी है तार वाली, ये हमारा पूरी का आटा और ये हमने खीर चढ़ा दी है। और अब मैं बनाऊंगी खूब सारी पूरी। पूरी बना कर रख देती हूँ। कितनी पूरी बनाऊँ लगभग? सब्जी बन गई है, पूड़ी बना के परी रख रही है क्योंकि हम जाएंगे फिर मेहंदी लगवाने के लिए, और तब वो दोनों आ जाएंगे तो आराम से खा लेंगे। तो इसके बाद परी ने थोड़ी सी पूरी बना दी थी और परी ने और मैंने खाना खा लिया था। खीर मेरी रेडी हो गई थी, ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर दिए थे क्योंकि सुबह के लिए चाहिए होंगे, हम मेहंदी लगा कर आ जाएंगे। तो ये था मेरा मेहंदी तक का व्लॉग, इसके आगे व्लॉग जारी है, देखना ना भूलिएगा नेक्स्ट व्लॉग में।